subscribe to our channel Sindh TV News and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भलीकार माया तवानी मेज़बान सबीन मेमर। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में अज एक अड़े मौजू ते गाल कंदासीं जेको वाकई इन मुआशरे जो एकड़ो नासूर बणजी चुको आहे। गाल कंदासीं बारन न्याणिन ऐं औरतन सां जिन्सी ॾाढाई जे वधंदड़ वाकियनि जे हवाले सां, जंहिंमें ॾींहों ॾींहुं वाध अची रही आहे। न रुगो सिंध बल्कि सॼे मुल्क मां इन तरह जा वाकिया रिपोर्ट थियनि था। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त हिकु गैर सरकारी तंज़ीम जे अंग नखरनि मूजिबि 2018 में ॿारनि में जिन्सी तशद जे वाकियनि में 11% वाध थी आहे। पंजाब में 63%, सिंध में 27%, के पी के में 2%, इस्लामाबाद में 3%। इन खां अलावा सिंध में बि अहिड़ा अणॻणिया वाकिया मौजूदु आहिनि। कानून साज़ी जे बावजूद रिमशा वसाण, रुखसाना ऐं क़ादिर सियाल जो जेको ताज़ो वाक़ियो थियो हैदराबाद में, साइमा जरवार, खतीजा ज़किया, इहे अणॻणिया अहिड़ा वाकिया आहिनि जेके इन्हनि माण्हुनि वहशी माण्हुनि जे हथां वहशीपणे जो शिकार थी चुका आहिनि। बदक़िस्मती आहे त इहो हिकिड़ी माफ़िया आहे जेका सरगर्म आहे हिन हवाले सां, जंहिंमें ॿारनि खे अगवा कयो वञे थो, उन्हनि सां ॾाढाई कई वञे थी, सुञाणप जे डप खां उन्हनि खे क़तलु कयो वञे थो, या वरी उन्हनि खे विकिरो कयो वञे थो, गुम कयो वञे थो। कसूर वारो वाकियो साम्हूं आयो हो, हिकिड़ो वॾो स्कैंडल साम्हूं आयो हो, जंहिंमें जेको सिंध में बि अहिड़ी माफ़िया सरगर्म आहे जेका अहिड़नि वाकियनि में उन्हनि मासूम न्याणियुनि जूं, उन्हनि ॿारनि जूं, उन्हनि औरतुनि जूं वीडियोज़ ठाहिनि था, उन्हनि मां न रुगो नाणो कमाइनि था पर उन्हनि खे ब्लैकमेल बि कनि था। ताज़ो ई अहिड़ा केतिरा वाकिया रिपोर्ट थी चुका आहिनि जंहिंमें अहिड़नि वाकियनि खां तंग थी करे उहे चाहे ॿार हुजनि, छोकिरियूं हुजनि, औरतूं हुजनि, उहे ख़ुदकुशी बि कनि था। पर असांजे समाज जा इहे अलमिया आहिनि त इहे वाकिया कंहिंखे ॿुधाए नथा सघजनि। जेकॾहिं इहे रिपोर्ट थियनि था त इन्हनि जो उन तरह तदारुक नथो थिए। इन जा बि सबबु आहिनि, किथे पुलिस इन्हनि वाकियनि में राजोणी कराए थी छॾे, किथे जेके ॾाढियूं धुरियूं आहिनि उहे वारसनि खे ड्रिॼारे धमकाए उन्हनि खे ख़ामोश कराए छॾनि थियूं। असां वटि इंसाफ़ या कानून एॾो महांगो आहे जो माण्हू जी पहुच थी नथी सघे, ऐं मुआशरे में जेको माण्हू इन जो शिकार थिए थो उनखे वरी किथे समाजी रवैयनि में जॻह ई नथी मिले। अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं त असांजी हुकूमत, असांजा इदारा, असांजी रियासत ऐं असांजो कानून अहिड़नि वाकियनि खे रोकण में किथे नाकाम वियो आहे ऐं छो नाकाम वियो आहे। मजमूई तौर अॼोके प्रोग्राम इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारफ़ कराईंदे ना, पीटीआई सां तालुक रखंदड़ लीला परवीन वेलकम कहती हूं, आपने हमें प्रोग्राम में जॉइन किया। असांजूं ॿियूं महिमान आहिनि पीपुल्स पार्टी सां तालुक रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली तंज़ीला कमराणी। तंज़ीला, तव्हांखे भलीकार चवां थी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नज़ीर, इन ई मामले ते असांखे फोन लाइन ते मैडम अनीस हारून, वुमेन एक्टिविस्ट आहिनि, उहे बि जॉइन कंदियूं। तंज़ीला, पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत खे 10 साल थिया आहिनि, सिंध जे ॿिए नंबर वॾे शहर हैदराबाद में बि इन तरह जा वाकिया रिपोर्ट थिया आहिनि। छो कानून साज़ी बावजूद ॿारनि, औरतनि, न्याणियुनि सां जिन्सी ॾाढाई, गैंग रेप, ज़्यादती, अगवा, क़तल, इहे वाकिया बजाए रुकजण जे वधी विया आहिनि? त हीअ जेके वाकिया ॾींहों ॾींहुं वधंदा वञनि, इन जी मुंहिंजे लेखे जेका वजह आहे, हिकिड़ी बीमार ज़हनियत वधंदी पई वञे। जिन उहा ई ज़हनियत आहे जिन चयो त लिबास में औरत ढकियल थिए थी त महफ़ूज़ थिए थी, औरत जॾहिं ॿाहिरि हले थी इन इहा ख़ुदि मौक़िया फ़राहम करे थी, अहिड़े क़िस्म जे वाकियातनि जा। त उहे उन्हनि बीमार ज़हननि खे इहो सम्झ में नथो अचे त जॾहिं 4 साल जी नंढड़ी जो रेप थी रहियो हुजे, जॾहिं असांजे मासूम छोकिरा नंढड़ा उहे महफ़ूज़ न हुजनि, त उते इहे लिबास ऐं तर्ज़ ज़िंदगी मैटर नथियूं कनि। हिते मैटर करे थी हिन दिमाग़, हिन सोच, जेका बीमार सोच जेका थी चुकी आहे। यकीननि सिंध गवर्नमेंट हिन ते कानून ठाहे चुकी आहे, ॿियनि सूबनि खां पहिरियां असां हिन ते करे चुका आहियूं, लेजिस्लेशन काफ़ी थी चुकी आहे, लेकिन ज़रूरत तमामु वधीक आहे। छो जो जॾहिं बीमारी दिमाग़ जे अंदरि हुजे त सिर्फ़ पेपर्स ते असां जेकॾहिं कानून साज़ू कंदासीं त उन्हनि जो अमल असांखे नतीजा नज़र न ईंदा। इन जे लाइ ज़रूरी आहे त असांखे अञा इन जे लाइ वधीक स्टेप वठी, जेके बीमारियूं ज़हन में पियल आहिनि ऐं उन्हनि माण्हुनि खे अवेयर करणो पवंदो त जेके तव्हां जेकॾहिं ॿारनि सां या न्याणियुनि सां कुझु ग़लति थी वञे थो त उन में उन्हनि जो कसूर न आहे। उहो असां पहिरियों ई अटैम्प असांजो मुआशिरो एतिरो कराइण लॻे उन्हनि खे त उन्हनि जी ग़लती आहे, उन्हनि जो कसूर साइकोलॉजिकली तब्दील क्यों नहीं किया गया? क्या अवेयरनेस काफ़ी है इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए? कानून हरकत में नहीं आता, रियासत नोटिस नहीं लेती, हुकूमत क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین. سبین سب سے بڑی دردناک صورتحال تب ہوتی ہے جب ایک معصوم جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا جسم کیا ہے, اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ابھی اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ میل ہے فی میل ہے مرد ہے یا عورت ہے, وہ تمام چیزوں سے مبرا ہے, وہ تو ایک معصوم ذہن ہے اور اس کو اس طرح اپنے ایک ارادے کے بھیڑ چڑھا دینا, نہ صرف اس کے ساتھ غلط کرنا بلکہ اس کی زندگی بھی اپنے اس ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے اس کی قربان کر دینا, اس سے بڑا دردناک واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے. جب ایک ماں کے لیے ایک باپ کے لیے شرمندگی بھی ہوتی ہے, دکھ بھی ہوتا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا, بے بسی بھی ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ جو معصوم کی لاش جاتی ہے جس گھر میں, وہ نہ صرف وہ تو وکٹم ہے, وہ تو ایک مقتول ہوتا ہے, وہ تو قتل ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بے دردی کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی وہ ہمدردی اس کے ساتھ نہیں ہوتی, اس کے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ آپ قانون بالکل یہاں لانے کی بہت اشد ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں ہم سعودی عرب کی اگر ایک ایگزامپل لے لیں تو وہاں لوگ چوری نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے, ٹھیک ہے, یعنی کہ سزا. انسان وہ حیوان ہے کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے اس کے نفس کو تو وہ تو بہت کچھ کر دے اس کا بس. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ ایک تو اپنی وہ خواہش پوری کی اس معصوم بچے یا بچی سے, یہ یہاں پر تو وہی بات ہے کہ میل فیمیل والی بات ہی نہیں ہو رہی کہ بچوں کی بات ہو رہی ہے یا خواتین کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو بات ہو رہی ہے ان اس ذہن کی جو اپنے ایک اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنی حیوانیت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک معصوم کے ساتھ اتنا بغیر کسی ڈر و خوف کے, بغیر کسی ڈر و خوف کے. اصل یہ چیز یہی ہے سبین کے وہاں پر ڈر و خوف نہیں ہے. اور ڈر و خوف کیوں نہیں ہے کہ ہم جو اتنی ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ہم ان کو ایسی سزائیں نہیں دیتے, معاشرہ ان کو سپورٹ, معاشرہ اس طرح سپورٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ کیوں نہیں ہیں. اگر آپ کو پتا جس طرح حیدرآباد والا واقعہ ہے, اس شخص کو وہ لوگ جانتے ہیں, محلے والے جانتے ہیں, جب پولیس کے پاس ہی کیس لے کے گئے تو پولیس والوں نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا, اس کو نہیں پکڑا جب تک کہ اس نے اپنے جرم کو اپنے گناہ کو مٹانے کے لیے لاش. تنزیلہ انہی تے اسا گال کرنا سی تے قانون سازی تھل ہے سندھ کے بے نمبر وڈے شہر حیدرآباد میں یہ واقعہ یہ واقعہ جو افسوسناک رپورٹ تھو ہے جو انسانیت کے جھنجوڑے چھو پہ واقعہ نہ ہے جن کے شاید اصل پروگرام کندہ ہوجوں یا اکھر استعمال کندہ ہوجوں, انگنیا ان طرح جا واقعہ ہیں. چھو پیپلز پارٹی گزرل دہن سالن میں ان طرح کے واقع کے گھٹ نہ کرے سکی, کنٹرول نہ کرے سکی. ماں پہ بھی چوندی رہی ہوں تو عورتوں سے زیادتی, بارن سے زیادتی, ان جو قتل, ان جو ویڈیوز ٹھائن, ان جو گینگ ریپ کرن, ان کے شاید ان طرح جو کرائم لکھو ہی نہ تو وجے. منجی خیال میں تھی بالکل یہ تو گال صحیح ہے تو ڈے بائی ڈے ان قسم جا واقعات ودندا ونجن تھا پیا, لیکن ان میں تاں خود ہی بدائے چکا ہو تو ضروری ہے تو اساں جی جوڈیشری ریفارمز اساں جا چھ تو جو اساں جو قانون جس تائیں منجی بہن بالکل صحیح چھو جس تھی سزا جزا جو سسٹم ٹف نہ تین دو تیسے تاں دسو زینب جو جو ہائی پروفائل کیس رہو ہو ان کا پوئے بھی ان کی سزا جی جو پیریڈ رہو ان کا جو سرکمسٹنسز پیدا تھیا, یہ مطلب اساں جی بارن کے یا اساں جی عورتن کے ودیک غیر محفوظ کن تھا. ان قسم جی جکڑے سا یو بھی یقینن بینگ پارلیمنٹیرین یا اساں جی ذمہ داری ہے قانون سازی تے تھل اساں وٹ ریاست آ حکومت آ قانون سازی تھل آ پولیس آئے پر انن واقعن جی روک تھام نتی تھے مانن میں خوف کونے. لیلا قانون سازی بھی ہوئی ہے لیکن اس واقعے میں حیدرآباد جو جو واقعہ حیدرآباد کا یہ جو واقعہ ہوا ہے دو معصوم بھائی بہنوں کا, اس میں پولیس کا جو رول ہے وہ خاصا مایوس کن ہمیں نظر آتا ہے. پولیس اس طرح بر وقت ایکٹیو نہیں ہوتی. کیا پولیس سے یہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ علاقے میں کون سے لوگ رہتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, ان کی حرکات کیا ہو سکتی ہیں, اس طرح کے اگر کوئی واقعات ہو جاتے ہیں تو پولیس مجرم تک پہنچ ہی نہیں پاتی جب تک بچہ یا بچی قتل ہو جاتا ہے. سبین دیکھیں سب سے بڑی بات آپ کو میں یہ بات بتا دوں واضح طور پہ کہ عموماً یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ غریب بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس غریب ہوتے ہیں, زیادہ تر انہی ایریاز میں ہوتے ہیں جب بچے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں اور باقی تو جو زیادہ تھوڑے سے بچے باہر گھومیں گے نا, بچے تو باہر جائیں گے, بچہ جو ہے چیز لینے دکان تک جائے گا. اب تو کوئی چیز جگہ محفوظ نہیں ہے نا, نہ اسکول ہے نہ مدرسہ ہے,
मदरसे में मौलवी ऐसे हैं, इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, होते रहते हैं। केपीके में हजारा में मैं आपको बात बताऊं, हजारा की न्यूज वगैरह, मेरा ताल्लुक हजारा से तो मैं देखती रहती हूँ, तो आए दिन वहां पर ये मामला आते हैं। अच्छा कजन, फर्स्ट कजन, पड़ोसी, चाचा, मामा, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा क्यों है? देखिये जी, आपने वो माइंड को कंट्रोल करना है, वो तो चले ठीक है, अगर नहीं कर सकते, आपने अपने बच्चों को अवेयरनेस देनी है। आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग में क्या बताते हैं, क्या कि आपको किस तरह बैठना है, किस तरह आप दूसरा जो शख्स है, चाहे वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, आपने उसको तन्हाई में अगर वो आपको लेके जा रहा है, उसको आपने क्या अवेयरनेस क्या दी है बच्चे को? बच्चा नहीं जानता, बच्चा इस टॉपिक को जानता है जिखे असो मुआशरो जिस तीन स्पेस न दीनों असाज घर में इनके डिस्कस न किया वो इनते ओ नो बार यो समझाया न वो तो जो तहत बैड टच एंड गुड टच जिस तीन असं अंडरस्टैंड न कराइंदी अस जिस तीन बार यो न समझासी बार की फीलिंग के असो बार जो के रिलेटिव से कंफर्टेबल ना है तो छो कंफर्टेबल ना है असा उनके इग्नोर असाजे मुआशरे में उनके इग्नोर कंदा रहूं था असा जे को बार चाचे मामे पाड़ेवारे दा नो वन चाहे या उनके मतलब उन्हें जी झोली में वही उनसे कंफर्टेबल ना है असा यो फील न था दैट्स अलार्म तो अस पे वो अलार्म अस बुधाए पे बार तो आऊं इन बार मानू सा कंफर्टेबल ना आया असा यो यानी वानी करे इग्नोर क्यों था यो हम सबनी बीइंग अ पेरेंट आऊं सिंध जी हर माँ के चवंदस यो नोट कन तो उन्हें बार जैसे कें भी मानू सा के रिश्ते से चाहे वो उनो मामू चाचो घर जो वो पाड़े जो छो न हो जो उन बार उन कंफर्टेबल ना है उनसे गुड वेह न पो चाहे तो तहज लाइ पे रेड लाइट ऑन थी चुकी है तुम पे बार से गुड वो उनका पुछो तू छो उन कंफर्टेबल ना जर उन बार के एतमाद दियार तो सा कुछ गलत थे पो तो के गलत टच किया तो उनमें तुझी गलती ना है तुझो कसूर ना है तो अस केर भी गलत करे पो तुखे कड़ी तरह से रिएक्ट करो है रेडियो खत्म ना पुलिस या खाली डंडे से खत्म ना घन रुखी बीमारी है घन रुखे तरीके से हल किया स्टेक होल्डर इन्वॉल्व थे पवो कोई भी पान पलान आजो न समझे चाहे वो पेरेंट हुए चाहे मुआशरे जो सुजाण धुरियन या हुकूमत हुए कें जो भी इन सिस्टम का इन मसले का छो वो बीमारी है जो असि घर तीन अची वही है इन कम अज कम पलान दाजा ना समझ जी लीला देखिए उस पर दूसरा स्टेप ये है जो मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा जो हमें जिससे फायदा हो सकता है वो ये है आप स्कूलों में एक अवेयरनेस डालें बच्चा तो हर बच्चा अमूमन स्कूल जा रहा होता है आप स्कूलों को ये पाबंद करें कि आप जहां उनको खाने पीने के मैनर्स आप सिखा रहे हो कि आपने इस तरह नहीं खाना इस तरह बैठना है सब चीजें आप बता रहे हो जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है आप उनको क्यों नहीं बताते कि आपको अपने केयर किस तरह करनी है। देखिए जी मैं नहीं कहती कि आप अमेरिका की तरह इंग्लैंड की तरह आप बहुत एक सेक्स की एक वो टॉपिक स्टार्ट कर दें या उस हद तक चले जाएं लेकिन एटलीस्ट ये तो एक बच्चे को तो बताओ यार मेरे साथ। अच्छा दूसरी बात हम जो है ना सिर्फ उन चीजों पे नजर रखते हैं दूसरा हमारा जो फर्ज है बीइंग अ मदर बीइंग अ सिस्टर भी आप कह सकते हैं हम अपने बच्चों को भी देखें कि आया जो हमारा लड़का है हमारा भाई है या हमारा जो बेटा है क्या उसका वो हम इतना वो मोबाइल के अंदर या इतना वो देख के वो उसका किस तरफ जहनीत जा रही है अगर वो एक जहनी हैवान बन रहा है तो वो किसी का बेटा तो है ना किसी का भाई तो है ना तो क्या उनके घर वालों का ये फर्ज नहीं है कि उस पर नजर रखे कि हमारा ये बच्चा हमारा ये भाई ये मेरा शौहर इसमें कोई हवानियत तो नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं बहुत ज्यादा लोग बड़ा वही हमारे हमें अपने ट्रस्ट है अपने भाई पे ट्रस्ट है अपने बेटे पे ट्रस्ट है अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट है अपने फादर पे ट्रस्ट है उसके बावजूद भी आपको देखना होता है आया जैसे मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है कि उनके घर पे मासियां होती हैं वो कितना आपको पता है वो जो बच्चियां मैं खुद इस बात की विटनेस हूं मैंने एक दुख केसेस ऐसे देखे हैं वो बच्चियां 8 साल की 6 साल की 5 साल से स्टार्ट हो जाती है 5-6 साल से तो वो हैं और उनके वो उनको परवाह नहीं होती है खवातीन को कि ये तो बच्ची है हमारा जो शौहर है हमारा जो भाई उसको बेटा बोलता है बच्चा बोलता है नहीं आपको नजर रखनी है कि आया हमारे जो घर के मर्द हैं ये जो हमारा जो बेटा है वो किसी बेराह रवि का शिकार तो नहीं है
आया वो तो इस चीज का, ये तो हो गया अवेयरनेस का टॉपिक हो गया कि हमें अपने घर से स्टार्ट करना होगा, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं बच्चों को उनके हवाले से अवेयरनेस देनी होगी और अपने बच्चों की बात पे यकीन करना होगा। अगर बच्चा बता रहा है कि हमें फलाने फलाने तंग किया है तो ये नहीं कि ये नहीं हो सकता या मामले को दबाया जाए। तालीम हमारे पास इतनी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं इतनी होती, माओं के पास भी घरों में ऐसा माहौल नहीं होता कि बच्चा बताते हुए डरता है, और अगर बताने की हिम्मत भी करता है तो उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन ये तो हो गया एक साइड ना, बाकी भी तरह जा फैक्टर्स आहन ना, बाकी भी तरह जा किरदार आहन, उन्हनके भी तो फाल थेण जी जरूरत आहे ना, उहे केड़ा किरदार आहन उन्हनते ब्रेक खां पोइ ॻाल्हायूं था। नाज़रीन प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो, वक़्तु आहे मुख़्तसिर वक़्फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। तंज़ीला, केतिरा ई अहिड़ा वाकिया आहिनि जेके रिपोर्ट थियनि था, जंहिंजी ख़बर पए थी, अहिड़ा अणगणिया वाकिया आहिनि जेके रिपोर्ट बि नथा थियनि। सिंध समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में, ज़िलनि में इहे वाकिया थियनि था, के औरतूं जेके आहिनि ज़िदाइन बि थियूं, एहतजाज बि कनि थियूं, पर उन्हनि जे दाह ते एहतजाज ते जेको आहे सो इंतज़ाम या हरकत में नथी अचे। जेकॾहिं पुलिस ॾांहुं वञनि थियूं त उन्हनि खे ॿीणे अज़ाब खे मुंहुं ॾियणो पए थो। इहे शयूं कंहिंजे पात ते अचनि थियूं, इहे कीअं सही थी सघंदियूं? पहिरीं ॻाल्हि सभिनि ॾिसो, पुलिस खे असांजी मुआशिरे जा जेके फ़र्द आहिनि उते वेठल आहिनि, ऐं तव्हां सां बिल्कुलु एग्री कंदसि, 100 जेके केसिस मां जेकॾहिं 50% केसिस रजिस्टर्ड थियनि था फॉर स्पोर्ट्स, जेका इहो हिन तमामु एहतियात सां करे चवां थी त जेकॾहिं अञा मूंखे ख़बर आहे त इन खां बि घटि था रिपोर्ट थियनि। जेके इदारा आहिनि लाॻापियल उनखे उन सीरियसनेस सां न पियो वरितो वञे, जेके औरतुनि सां जेकॾहिं का हिमत करे एतिरी मुश्किल सां एॾे माहौल मां ॿाहिरि निकिरी पंहिंजी रड़ करे थी वठे, त चाहे उहो ॿार जो मसलो हुजे, चाइल्ड हरासमेंट हुजे, विमेन हरासमेंट हुजे, हरासमेंट वर्क प्लेस हुजे, निकिरी अचे थी, जेका उन सां विढ़ी मुआशिरे मां उनखे निकिरण लाइ केतिरी महिनत करणी पवंदी हूंदी, पंहिंजे ई सर्किल मां निकिरण लाइ। उनखां पोइ जॾहिं पुलिस ताईं पहुचे थी या रिपोर्ट करे थी, उनखां पोइ उनखे उहा पॉज़िटिव जेका मोट मिलणु खपे उहा नथी मिले। अच्छा, उहा छो नथी मिले? आउं पर्सनली सम्झां थी त असांजा इदारा विमेन डेवलपमेंट मौजूदु आहिनि, विमेन कमीशन मौजूदु आहे, लेकिन अगेन हिते वरी उहो जेको कनेक्शन आहे, कनेक्टिविटी आहे, उहा प्रॉपर नथी थिए उन्हनि माण्हुनि ताईं। उहे माण्हुनि खे ई ख़बर न आहे, औरतुनि खे ई ख़बर न आहे। डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आहे, केतिरी एक्टिव आहे हिन हवाले सां, केतिरा केस सॉल्व थियनि था, कीअं रिपोर्ट अचे थी, उहा रिपोर्ट कॾहिं कीअं पेश कई वञे थी, कीअं नोटिस वरितो वञे थो? ऐं उहो ई तव्हांखे चवंदसि त जेतिरो हुनखे जहिड़ी तरह सां विमेन डेवलपमेंट खे औरतुनि लाइ परफॉर्म करणु खपे। हींअर असांजे मिनिस्टर साहिबा ख़ुदि चयो त औरतूं विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इट्सेल्फ औरतूं ई घटि आहिनि। मतिलबु जंहिं डिपार्टमेंट में जेको औरतुनि लाइ डिपार्टमेंट आहे उहो सम्झे उनखे, ठीकु आहे इहा घटिताई असांजे पार्ट ते आहे, लेकिन जेका हक़ीक़त आहे उनखे मञण में का आर न आहे। असां उनखे बहितर करणु वञूं पिया, उनखे सही करणु वञूं पिया, असां इहो एडमिट कयूं था त उन बारे में साल काफ़ी हूंदो आहे बहितर करण में। माज़ी में बि तव्हांजी जेके वुमेन डेवलपमेंट जी जेके मिनिस्ट्रीज़ जिन वटि रहियूं उन्हनि जो बि अहिड़ो माफ़ कजो को फाल किरदारु मूंखे नज़र न आयो। मां काफ़ी वक़्त ताईं वुमेन इशूज़ ते प्रोग्राम कंदी रही आहियां, मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां डिनाए न कंदो इन ॻाल्हि खां। एक औरत है वुमेन मिनिस्ट्री, वुमेन डेवलपमेंट उसके पास है, उसको उसका किरदार क्या होना चाहिए मुझे बताया? जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, अख्तियारात पावर्स हो, पुलिस को आप अहकाम दे सकते हैं, आप उस जगह पे जा सकते हैं, आप उसके केस को एंड तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं पावर कानूनी हवाले से और अपने पावर्स इस्तेमाल करके, ताकि मुआशरे में एक चलो एक अवेयरनेस हमने दे दी, लेकिन वो जो क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं, जो बगैर खौफ के बगैर डर के इस तरह के वाकयात करते हैं, उनको रोकना, उनको ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये रियासत और कानून की और हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है, और ये मिनिस्ट्री बनाई इसलिए गई है कि इसको यानी कि काम करे, लेकिन वही बात है कि मैंने भी नहीं देखा कि कभी इस मिनिस्ट्री के तहत कोई ऐसा काम हुआ जो खवातीन बड़े फख्र से बोलें कि ठीक है जी हमारे लिए भी कोई इदारा या हुकूमत ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ कि हम वहाँ सेटिस्फाइड। आप ही बताएं कि देखिए मिनिस्ट्री जो होती है वो ओवरऑल उसके पास तमाम सिस्टम होता है, उसको प्रोटेक्शन देनी है खातून को, वो बनाई ही इसलिए गई है, लेकिन वो वर्किंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो खुद के लिए आपको फील्ड में जाना इंटरेस्टेड नहीं है, कमीशन आए कमीशन प्रॉपरली वो इंटरेस्टेड नहीं है। आपको पता है थोड़ा सा सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट कमीशन तमाम सिंध एटलीस्ट सिंध में ट्रेंड सुबह की गाल ना करना तमाम फॉल किरदार अदा कर रही है।
लेकिन सिंध में सबसे ज्यादा खवातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से अब जो केसेस हो रहे हैं वो सिंध में होते हैं, सबसे ज्यादा खवातीन के हवाले से। सिंध की जो खातून है सबसे ज्यादा कमजोर, सॉरी इस पे अभी तक ये नहीं हुआ कि सिंध सबसे आगे जा रहा है, सिंध प्रोटेक्शन में तो आगे है। नहीं, खवातीन के हवाले से देखिए सबसे बड़ा एक जो अलमिया था कारोबारी के हवाले से वो खत्म हो चुका, वो सिंध में खत्म हो चुका है। ज़ाहरी तौर पे तो आप कह सकते हैं कमीशन जो कमीशन एतरो ही फाल हो जाए तो जी आर कॉलोनी में सिंध के बे नंबर वे शहर हैदराबाद में बिन भा भेण जो वाक्य थो है उन मासूम छोकरे की जो स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंट का फौरी तौर उनके गिरफ्तार किया पर उनका छोकरी न बाजियाब कराई टिन वही लाश हथ कर वो है। बिल्कुल ही वाक्य हैदराबाद थोड़ा तमाम ज्यादा अफसोसनाक है। रिसेंटली मुझी कमीशन से भी गाल थी, अज शल मिनिस्टर साहब से भी गाल थी, उन्होंने ऑलरेडी इन केयरमेंट्स वे तो उन्होंने जो खुद भी मजनो है तो इन वाकई खतरनाक हद तई मतलब असके सोचने से मजबूर कर नंबर वो शहर हैदराबाद हाँ बार असाजा बहर न निकरन बार असाजा रांद न खेडन बार बार असाजा घूमन फिरन ट्यूशन्स न वन स्कूल किथे महफूज हैं बार जो यो हक है बार खा उन जो पान जिम्मेदारी है ना असो बींग रियासत असो फर्ज है तो असो जो बालपण न वाई उन जो रांद कुडन बाहर वन खेड ट्यूशन से वन पढ़ यो उन बार हुजन के करे उनको हक है। अस बींग रियासत असो फर्ज है उनके वो परफॉर्म दियूँ महफूज तरीके से दियूँ जी भी वरी भी चवंदस शॉर्टफॉल थी रहा है इनमें चाहे विमेन डेवलपमेंट हुए चाहे असानी पुलिस हुए उन्होंने इन सेंसिटिव इशू के अना भी बेहतर तरीके से खड़ो पवन अर्फ़ कानून औरतू आन बार लीला मेरा ख्याल है कि इस तरह के वाकियात को कत्ल हो जाता है उसको लिया जाता है क्राइम होना नहीं चाहिए, मैं उसके भी खिलाफ हूँ लेकिन औरतों के साथ बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है इस तरह के वाकियात होते हैं उनकी वीडियोस भरी जाती है उनको कत्ल किया जाता है इसको एज ए क्राइम मेरे ख्याल उस तरह नहीं लिया जाता जिस तरह लेना चाहिए। देखिए अभी असेंबली में शायद इसीलिए पेश भी की गई और उसको जो है ना मंजूर भी किया गया है लेकिन अभी बात ये कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उस तरह नहीं हो रही। मैं बिल्कुल इस चीज पे एग्री करूंगी कि कानून तो बने होंगे। अब ये बात अगर हम कहें कि कानून कानून बन भी रहे हैं जी मंजूर भी हो रहे हैं लेकिन वो कहाँ है वो इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहे हैं। अब आप इसी तरह केस हो फौरी तौर पे आप उसको पकड़ो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट फौरन मुजरिम को पकड़े और उसको वही और अगर मुजरिम को नहीं पकड़ सकती तो उसके लिए क्या होना चाहिए क्या स्टेप जो है क्या इकदाम हुकूमत को लेने चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट चाहिए उनको सस्पेंड करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। एसएचओ जो होता है वो उसका जिम्मेदार होता है उस इलाके का अगर वो ये काम नहीं कर पाता और मुजरिमों को नहीं पकड़ पाता तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो जो मुजरिम है उसको फौरी तौर पर वही जहाँ वो बच्चे के साथ ये काम करता है या जो इलाका होता है वहीं ले जाकर उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए उसको आसान मौत नहीं देनी चाहिए उसको बिल्कुल एक तड़पा तड़पा के ही। देखिए इस्लाम में मैं आपको एक चीज बता रही हूँ जिना के हवाले से जिना कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह है ठीक है और फिर आप बच्चों के साथ इस तरह कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में जो जिना में मुलविस हैं खुद चाहे वो मर्जी से क्यों ना हो उनको आप संस्कार करो और उनको इतना मारो कि वो मर जाए वो मरे पत्थर इतने मारे जाए उनको कि वो मर जाए संसार कर दो यानी कि उनका जिस्म जमीन के अंदर हो उनके सरों पे पत्थर मारे और उस पर रहम नहीं खाना ये भी अल्लाह ताला लेकिन यहां क्या तो हमारे हमारे पैसे देखिए पैसा खिला के पुलिस आप जब तक के पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी ये पुलिस डिपार्टमेंट को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करते आप अपने कानून को मजबूत नहीं करते आपका इंसाफ गरीब तक पहुंच ही नहीं सकता। आप यहाँ पे सिर्फ हम सिंध और पीपल्स पार्टी या ये ना खेलें तो बेहतर है क्योंकि जो वाकयात अभी रिसेंटली पंजाब में हुए हैं और वो किसी से भी छुपे हुए क्योंकि कुछ वाकयात ऐसे हैं कुछ बीमारियां ऐसी बात अभी हम हैदराबाद के बाकी की बात कर रहे हैं और उस पे आपके पुलिस डिपार्टमेंट की सामने मैं एडमिट कर रही हूँ मैं एडमिट कर रही हूँ लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कुछ चीजों पे आकर अगर हम सियासत ना करें ना कुछ चीजें अगर इस नंबर में चले जाए पंजाब में ज्यादा हुआ है सिंध में ज्यादा हुआ है हम मैं एडमिट कर रही हूँ केस को जिस तरह से इस केस को जिस तरह से डील करना जिस तरह से डील किया गया है उस पर हम एडमिट कर रहे हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए। तंजीला इन तरह जैसे वाक्य रिपोर्ट थे तक पान खबर होंगी तुम भी विजिट कंदू रहो तू फील्ड में हो या तो राजोणी थे तो या दबाव वे वे तो या वालदेन एडो गरीब हूं हाँ जो ताजो न्याणी जो वाक्य थो हो
हिकिड़ी छोकिरी सां जेको सोशल मीडिया ते बि घणो हले, हुनजी छा कंडीशन थी वई, हिन वाक्यनि जो नोटिस या पुछाणो छो नथो थिए, हिननि जो किथे इख़्तिताम पज़ीर था थियनि, हिननि जो अंजाम छा थो थिए, हिननि सां जेको ज़ुल्म थिए थो हुनजो तदारो केतिरो थिए थो, उहो बि त असांखे समाज में नज़र नथो अचे, अख़्तियार धणियुनि तरफ़ां उहो बि त असांखे नथो नज़र अचे। कानून सां गॾु सहूलियतूं बि मौजूदु आहिनि, असांजो वकला वग़ैरह जी जेके फीस असांजो कमीशन जेको आहे वकील मुहैया करे ॾेई रहियो आहे। सिर्फ़ु जेको मूंखे कमी नज़र अचे पई उहा कमी आहे, देर इज़ अ कनेक्टिविटी असांजे माण्हुनि खे, हाणे सभु खां वधीक हुकूमत सिंध खे एटलीस्ट इन ते कमु करिणो पवंदो, हुननि खे ॿुधाइणो पवंदो त तव्हां लाइ सहूलियत मौजूदु आहे। जेकॾहिं असां इहो चऊं था त इंसाफ़ महांगो थी वियो आहे, त सिंध हुकूमत इंसाफ़ तव्हांखे मुफ़्त मुहैया करे ॾेई सघे पई। हिकिड़े ॾींहं में ग़ैर सरकारी तनज़ीम मूजिबि हिकिड़े ॾींहं में 15 खां 18 इन तरह जा वाकिया थियनि था। इट मीन्स एतिरा माण्हू जेके आहिनि से खुले आम घुमी रहिया आहिनि, जिन खे जानवर जिन खे ख़ौफ़ ई कोन्हे त असांखे को पुलिस में पकड़ थींदी, असांखे सज़ा ईंदी, या वरी पुलिस जेको आहे हिननि मामलनि खे दॿाए छॾे थी, ॾेती ॾेती जा मामला थियनि था। इहे शयूं बि त समाज जो नासुर बणियल न, घणा ई इन जा एस्पेक्ट्स अची था वञनि न, केतिरनि शयुनि खे ठीकु करण जी ज़रूरत आहे। हिननि खे फौरी तौर ते पंहिंजे एंड ते सम्झां थी त असांखे जेको न सज़ा ऐं जज़ा जो सिस्टम आहे उनखे फास्ट करिणो पवंदो। जेके ज़ैनब वारे मामले में जेको ज़ैनब वारो मामिलो थियो, उन तरह जो असांखे सज़ा जो जेको आहे सो सिस्टम ठाहिणो पवंदो, त जीअं माण्हुनि में कुझु ख़ौफ़ त पैदा थिए न। जेसि ताईं असां इहो ख़ौफ़ क्रिएट न कंदासीं, हिननि जानवरनि खे धकेलण जी सिर्फ़ु इहो ई तरीक़ो आहे, हिकु त असां पंहिंजे बचपननि खे अवेयर करियूं जेको मतिलबु हुननि सां नाजाइज़ आहे, लेकिन देन सेकेंड वन हिननि खे इहा ख़बर हुजे त जेकॾहिं असां हीउ जुर्म कयूं था या हीउ गुनाह कयूं था त उनखां पोइ जेको हुननि सां नतीजो थींदो उहो, ऐं न सिर्फ़ु उन्हनि सां बल्कि उन्हनि जा जेके फैसिलिटेटर आहिनि जेके उन्हनि जो साथ ॾियनि था, आइदर उहो पुलिस हुजे या मुआशिरे जा माण्हू हुजनि, उहे आउं सम्झां थी उन्हनि सभिनी खे उन सां गॾु घेरणु खपे, जे सिर्फ़ु उन फर्द खे न, जेको उनखे घर जा माण्हू जेके उनखे लिकाइनि था, अञा बि कसूर जे वाक़िए में उनजे पेरेंट्स उनजी फैमिली उनखे प्रोटेक्ट कयो, ऐं उनखे उहो हिकिड़ो चैप्टर जेको क्लोज़ थी वियो हुयो, हालांकि उहो पुरज़ोर एहतजाज खां पोइ उहो जेको आहे सो थियो, जेसिताईं इहो पार्ट आहे इहो असांखे एड करणो पवंदो पंहिंजे कानून में, त जेको बि कल्प्रिट आहे जेका फैमिली मेंबर या दोस्त या चाहे बड़ी माफिया वीडियो की जो आप बता रहे हैं कि बड़ी डिमांड है और ये चलती है बकायदा, आप देखें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उस पर चलती हैं, आप पहुंच सकते हैं उन तक, लेकिन वहां पर इतने बड़े बड़े लोग उनके पीठ के पीछे बैठे हुए हैं ना कि आपको ये तो मरवा देंगे। अब आप देखिए, अब पंजाब में सूरतहाल ये है कि अगर कोई किसी के खिलाफ बड़े बंदे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चाराजोई होने जा रही होती है तो वो बंदों को ये तो उठवा लेते हैं, मरवा देते हैं, सारे मामलात हैं। असां केतिरो बि करे वठूं, चऊं सिंध खे ईअं करे वठंदासीं, असां त चाइल्ड मैरिज बि सिंध में पाबंदी लॻी वई आहे, पोइ पंजाब में माण्हू शादियूं ॿाहिरि खणी वञनि था, पंजाब में त वञी शादियूं कनि न, त मीन्स की असां हिन अहिड़नि मसलनि खे, अहिड़ियुनि बीमारियुनि खे जेसिताईं असां नेशनल सोच रखी न सोचींदासीं इहो त एडमिट कयो न त ओतिरो तहर कोन्हे को वुमेन मिनिस्ट्री आहे। हिन खां अलावा बि हिकिड़ो मौज़ू आहे, प्रोग्राम जो वक़्तु बि पुॼाणी ते पहुतो, तालीमी इदारनि में, असांजे तालीमी इदारनि में जेके हरासमेंट जा इशूज़ थियनि था, मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में इहे वाक़िया थी वञा थी चुका आहिनि, रिपोर्ट थिया आहिनि, उन्हनि ते बि कमु करण जी ज़रूरत आहे, उन्हनि खे बि नज़र छोकिरियूं ख़ुदिकुशी कनि, छोकिरा पाण खे मारे छॾनि, उस्तादनि जो रवैयो, चाहे उहो मज़हब सकाफ़त जी बुनियाद ते जेके वाकिया थियनि था, फ्यूचर खे ब्लैकमेल करे के भई आपको हम नंबरिंग आपकी हम कम कर देंगे, या नेसेसरी करेंगे, नंडन बारन में भी यो नेसेसरी हो जाए स्कूल में, एक्चुअली बच्चों में और अपने बच्चों में हिम्मत डालने की बड़ी जरूरत है। लेकिन हिम्मत तो बच्चे करें, लेकिन कंप्लेंट करें, उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका नतीजा ये बिल्कुल सही कहा, जो नतीजा नहीं निकलता उस खौफ से वालदैन खामोश हो जाते हैं, बच्चा बर्दाश्त करता है नहीं तो खुदकुशी कर लेता है। स्कूल में जरूरी आए तो एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल जाए, पार्ट हो जाए, कंप्लेंट करे, अपनी बात बताए, जहां से उसको इंसाफ मिलेगा, अलग एक डिपार्टमेंट होना चाहिए।
پوزیشن ہے لیکن اس کو مزید اس کو ایکٹیو کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور پیپلز پارٹی اس پر کام کر رہا ہے ہاں ایڈمٹ کیا تھی تو نکھے جڑی طرح سا چاہوں تھا ایجوکیشن میں ہنگامی صورتحال آنی ہے ہیلتھ میں تڑی طرح سا اساں کے ان صورتحال چونکہ وہ بما ہیلتھ جڑو تو نہ تھے ہنگامی صورتحال ہے جو کچھ عرصے کا پو پھاٹے تو لیکن اساں کے ان کی سیویئرٹی ہیری سمجھن کپندی ان سا گڈ سولوشن طور تے آں سمجھا تھی ایٹ لیسٹ گورنمنٹ جے کے سکولز ہیں ان میں لازمی ایکڑو پارٹ رکھو ونجے جے میں بارن کے سمجھایا وے یا ٹریننگ دینی وے ایٹ لیسٹ میٹرک تائیں تاکہ بارن کے یو ہو جے ہی جکو کچھ تھیو حیدرآباد میں ہی صرف ان دین جو واقعہ نہ ہو یا ذمہ داری جکا ہے صاحب حکومت جی حکومت جی میں یہ سمجھتی ہوں تو مائیں جب بچہ ایک دو سال ڈھائی سال کا جو تھوڑا سمجھنے والا ہوتا ہے تبھی سے اس کو ٹرین کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ تو للہ ہم نے بات کی نا کہ مائیں اپنے بچوں کو ٹرین کریں بچوں کو گھر سے اویئرنیس ملے لیکن اس کے بعد جو اسٹیک ہولڈر جہاں جہاں اس کو جانا ہوتا ہے وہاں پہ بھی تو اس کو سیفٹی کی ضرورت ہے نا وہاں سیف نہیں ہوگا تو گھر میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا باہر تو ہوتا ہے اس کے ساتھ بس ایسے درندوں کو اتنا عبرت ناک ان کو سزا دی جائے کہ وہ چھوکریوں ہاں دیکھنے والے چھوکری جو روح کاپ جائے اڑ گڑیا واقعاں جے میں نترا جا واقعہ تھے اندر ضرورت ان گال جی ائے تے ایجوکیشن ای تعلیم جڑی ایمرجنسی نے پر ہنگامی صورتحال ایڑی لاگو کرنی ضرورت ہے جے میں 15 ہا 20 واقعہ جے کے رپورٹ تھندا ان نہ تھن گڑجن تمام وڈو انگا وڈی مہربانی تا منی مہمان نی تا جو کے پروگرام میں اسا کے ٹائم دینو ناظرین ہاٹ ایشو پروگرام جے وقت بنے تے پنی پجانی تے پہنچے تو ان پروگرام تے نی اجازت اللہ واہی